मैं भी नहीं थी फ्रेंड, मेरे पास इसने सब फ्रेंड्स बनाए और मुझे इन्होंने साइडलाइन करके और बाकी उसे दोस्ती बढ़ा दी। देवी और सज्जनों, आज आपका भाई निकल चुका है, तैयार हो गया फिर से। ओ भाई साहब, आज मैं जा रहा हूँ शादी करने। दोस्तों आज हमारे साथ नया मेहमान जुड़ चुका है, इसको आप रोज जान देख रहे हो आजकल। और ये देखो भाई साहब, सम डेज इट्स रियली रियली हार्ड। दोस्तों के फॉर्मल में जाता घंटा का इंटरेस्ट है ऑफिस से। मैं अभी तो फ्री हूँ, थोड़ी देर पहले मीटिंग करके अब निकले हूँ खाने के लिए। असर कहाँ पे है? असर हैं बिजी बॉय। बॉस नाम है क्या गल है? वो तपस्वी तेरे साथ है, इतनी साइड क्यों है तू? हम क्या बोलते हैं, माय लाइफ। सॉरी गाइस, ब्रेकअप के बाद सारे आशिक बन जाते हैं। समझ आता गाइस, ये टल्ला रही है पीछे चुड़ैल, उसको यार बर्दाश्त करो। बाहर क्या खाया तूने? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर नहीं खाया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कल नीति से पूछा कितने साल से दोस्त से गिन रही, 1 2 3 4, मैंने कहा रहने दे इस बात पे कैंसिल करो। 8 साल हो गए भाई साथ में। ब्रेक कौन सी ब्रेक? ब्रेक की ब्रेक है। वेट कुत्ते हो, चुप रहो यार। और इसकी सबसे पहले मैं भी नहीं थी फ्रेंड, मेरे पास इसने सब फ्रेंड्स बनाए। तो सबसे पहले इसकी फ्रेंड मैं ही बनी थी, और जितनी भी इसकी फीमेल फ्रेंड्स है मेरी वजह से इसको दिखी थी, यू नो, मिले थे उन्हीं के मेरी वजह से, एंड मुझे इन्होंने साइडलाइन करके और बाकी उसे दोस्ती बढ़ा दी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाउ मीन नितिन, हाउ मीन। अबे पेपर में मेरे साथ बैठती थी ना पेपर देने, मेरे पेट दिन मैसेज करती फेसबुक पे, यार तुम कितना पढ़ते हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, तुम इतने जल्दी पेपर के चले जाते हो, किसी को देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं। मैं उसको लायक बोलते हैं, जो दो आंसर लिखता था चले जाता था, उसी साइकिल टेस्ट में फेल हो गया। की नजर लगी तेरे को? ये मनोज मिल गए तुझे जिंदगी में मेरी? पर नहीं यार, मैट के बाद ही मुझे कोई और मिला था 4-5 साल के लिए। मेरी वजह से नहीं मिला था वो, तेरे को खुद को, खुद की मेहनत। हमने तो आपको बहुत मना किया था नितिन, आप ही उस टाइम पूंडाशक बने हुए थे। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। यार अंकल जी ने समझाया नहीं मुझे, देखो दोस्तों का काम होता समझाना। हमने समझाया था गाइस, हमने बहुत समझाया था इसको, मेरे पास कुछ है, पूरी दुनिया को वो तेज लगती थी, बस इंसान को वो सबसे अच्छी लगती थी। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। चलो यार अभी हम कहीं जा रहे हैं खाने पीने, अब हम कहीं खाने पीने जा रहे हैं, उसके बाद ही बात करेंगे आगे, ये अब मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। यार तो उसके लेवल डिसअपॉइंटमेंट सोच, वहां गए नाम लिखाया एंट्री की, अंदर जाके कहती है ये रेस्टोरेंट नहीं है जहां हमने जाना है। मैं भी देख रहा हूं ऐसे देख रहे कुछ ही, मैं किसको देख रही हूं? तुम्हें शर्म है कुछ? कैसे बर्गर है ये? मिनी ये भी हो, ये खाऊंगा कबाब वाला। ओए तेरे को याद है ना तेरी जॉब भी है? पार्टी एंजॉय कर रहा है आज भी, गाले सुनेगा। दोस्तों पार्टी हो गई, वापस जा रहे हैं घर पे। इनकी शक्ल 200 खर्च हुआ है सालों ने, अभी शक्ल इतनी गंदी लग रही है यार हमारी, इस शक्ल के साथ हम इतने दूर रहे बताओ। इधर वर्ष करके दिखाऊंगा गाड़ी, देखो है इधर तो नहीं यार, प्लीज रहने दे, डर लगता यार प्लीज। ये थोड़ी है, यही है, यही है यार, तुम कितने हरामी लोग हैं। हमारे दोस्त हॉस्पिटल में डॉक्टर है, आप उसको तंग करने जा रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट की ड्यूटी पे, वो भी हॉस्पिटल। ऐसे लगता नहीं कि हम इतने पापी हरामी दोस्त हैं? ये 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 इधर से जाना, मैं गया था हॉस्पिटल मैं जाते ही बोलते मुझे दांत दिखाने हैं, वाइट कराने हैं, और रिया बलोरिया से कराने हैं, ऐसे बोलिए ना, रिकमेंडेशन मिली है हमें दूर से, ठीक है। चल 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 ऊपर चल, कन्फेंटल कुछ करके बोला उसने, डिपार्टमेंट आ गई कन्फेंटल सामने। ये मरीज, ये लग रहा डॉक्टर कैसे। तुम्हें शर्म है कुछ? रिया से प्रैंक कराने आए थे, ये अपने दादी चेक करने लग गई, इसको देखो क्या जो कर रहे हैं। अरे तू सही में साफ कराने लगी है, तू सही में दांत चेक करने लगी है अपने, मास्क में दांत चेक होते हैं जो भी तो ना। मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो तो। अब वो दांतों में नहीं है वो।
ये देख के लगता है वो डॉक्टर हुई कहीं से, वो मैच लड़ी थी डॉक्टर, इसको देखो ये मरीज को, ये मरीज डॉक्टर है गाइस। हॉस्पिटल में जाके ऑन ड्यूटी डॉक्टर तंग किया गया जिसने, आज डॉक्टर छेड़ता है आजकल जाके हॉस्पिटल में। क्या कर रही तेरा मुझे कर रहा है बेवकूफ औरत, ठीक है ये ट्राई कर रहा हूँ, ये कुछ नया लग रहा है आज। थोड़ा चम्मच तो ऐसे ऐसे कौन से था, ऐसे खाता हूँ रिव्यू दे सर। ठीक है नॉर्मल कचोरी रहा, कचोरी में डाल दिया मशरूम। तेरा मशरूम अच्छा होता यार, मैजिक खाओगे आप? मैंने तो डिवॉर्मर कर दिया। मत खाओ प्लीज, हमारे लिए नहीं बचेगा ना फिर। गाइस फोन पे लड़ रहे थे यार, तुम्हारे भाई ने पैचअप करा दिया, देख रहे हो तुम। गाइस अंकज बहुत सैड है क्योंकि रिया नाराज हो गई है। रिया मान जाओ यार, कर दो माफ, अपने व्यूअर्स को पागल मत करना। माना थोड़ा टॉक्सिक है, क्या हो गया इसमें, बेल्टी तो मारता है थप्पड़ी मारा इसने मुंगड़ा मेरे पे मानहानि का केस हो जाएगा पागल। मुंगले को इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं। मैं कल तेरा बॉयफ्रेंड ऐसे चिल्ला चिल्ला के फोन पे आते रहे, तू उसको माफ करी? हां तो फिर मत कर दो रिया, माफ कर दो इसे, कल चिल्ला रहा था आप, याद है ना आपको? मैक थप्पड़ मार पहले। गाइस सबको घर पे छोड़ दिया, ऐसा लग रहा अंधेरा हो गया, बट अंधेरा हुआ नहीं है भाई, तूफान चल रहा है, सारा अंधेरा एक तरफ से हो गया, मतलब टाइम अभी 5 ही बज रहे हैं और 5 बजे इतना अंधेरा हो गया ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। तो अभी फटाफट मैं भी घर निकल रहा हूँ, मम्मा को भी रास्ते से पिक करना है, तो मम्मा के पास जाने से लेट ना हो जाऊंगा, बस बाकी सब ठीक है। शाम के 5 बजे तूफान चल रहा है भाई, ये शाम के 5 बजे का तूफान है, ये समझ रहे हो आप सिस्टम। फाइनली दोस्तों जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी ना इतनी गर्मी में, इतनी तगड़ी गर्मी में, वो मिल गया, बारिश। शुक्र है यार बारिश हो रही है जम्मू में, कल भी हुई थी पर कल इतनी देर हुई नहीं थी, तूफान चला था बहुत तेज, पर बारिश बेकार हुई थी यार। इस बार भगवान करे बस बारिश हो जाए, कम से कम पूरी रात बारिश हो तभी मज़ा आएगा, बस होती रहे। अब यार बीच बीच में ना ओले पड़ रहे हैं गाड़ी पे, मैं तभी सोचू टक टक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ओले और नहीं पड़ने चाहिए भाई, पिछली बार भी ओले पड़े थे गाड़ी पे, डेंट ही डेंट पड़ गए थे, जल्दी जल्दी घर पहुंचूं वही बेटर है। अब बारिश डेंजरस हो गई है थोड़ी अब यार। गाइस बहुत ही तेज तूफान चल रहा है, बहुत ही तेज, मैं क्या बताऊं, ये कैमरा में तो इतना साफ दिखता नहीं, इतनी धूल है ना सामने, ये भैया बाइक तक नहीं चला पा रहे बेचारे, और डर लग रहा है, ऊपर से तारे तुरने गिर जाए, ऊपर से पेड़ पौधे भी इतने तेज हिल रहे हैं ना भाई, क्या बताऊं मैं, बस सेफली घर पहुंच जाऊं यार, पेड़ पौधे से डर लग रहा है, बाकी सब ठीक है, ये तो रुकी है बेचारे, यहाँ पे तो चलो पेड़ पूड़ नहीं है, सेफ है थोड़ा भाई, पेड़ पता मार कसम बिल्कुल 45 डिग्री इंक्लाइन हो गया था, और परसों ही अभी पेड़ टूटे हैं, इतनी तेज आंधी थी ना, ये तो सामने देखी आंधी है दुकान दी, परसों ही अभी पेड़ टूटे यहाँ पे, और आज जो बच्चे होंगे वो टूटेंगे क्योंकि इतनी तेज तूफान चल रहा है। होपफुली बस आराम से घर पहुँच जाऊँ, बाकी सब ठीक है। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल यार, ये देखो यहाँ पे पेड़ गिर गया ना, देखो दिख रहा पेड़, ये देखो यहाँ पेड़ ही पेड़ गिर गया, ये स्यापा बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर पेड़ पूरा झुक गया है वाला भी, और गिर रहे हैं अभी भी भाई, अगर ये भी ऊपर गिर गया ना पूरा काम तमाम हो जाएगा अपना। फाइनली गाइस मम्मा के पास पहुँच गया, बस मम्मा को पिक करना है यहाँ से, 2 मिनट के लिए तूफान उठ जाएगा यार, बड़ा तूफान है भाई साहब, डर लग रहा है। दोस्तों मेरी मुरझाई हुई शक्ल देख के आपको समझ आ गई होगी कि अभी तूफान में मेरी क्या स्थिति सिचुएशन भाई, मैं डर गया था यार से बताऊँ, इतने पेड़ इतने नीचे नीचे आ रहे थे ना तूफान से, और आपको नहीं पता परसों जम्मू में क्या तूफान आया है, तो उस से मुझे लगा था नितिन भाई आज तो हो गया काम, बट भगवान की दया से ऊपर वाले के आशीर्वाद से घर पहुंच गए हैं, मम्मा को भी ले आए हैं, और सब बात अपनों की होती है तो उनके लिए जाना पड़ता है भाई, चाहे तूफान हो चाहे कुछ हो, फिलहाल अभी अंदर चलते हैं एंड आपको अंदर जाके बात करते हैं, आ जाओ। शक्ल सुनिए, उसके बाद इतने पेड़ गिर रहे थे ना, ऐसे पेड़ गिर रहे थे, पर मैंने कहा आज स्पीड में जाएगा भाई अपनी मम्मा।
तो मैं स्पीड में जाएगा। हाँ तो मम्मी कहते मैं रोड पे आ रही हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं रुकी। ठीक है फिलहाल ड्रेस पहुँच गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉगिंग खत्म करते हैं, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, 3-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार।